काम बराबर लिया जा रहा है, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, लेकिन उसके हिसाब से कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, पुराने ढर्रे पर सब कुछ चल रहा है। 25 जुलाई 2017 को जब से समायोजन रद्द हुआ, तब से मानदेय 10,000 से एक पैसे नहीं बढ़ा है, और वो भी 11 महीने का मानदेय मिलना है। अनुदेशकों को संघर्ष करना पड़ रहा है कि 9,000 रुपए के मानदेय पर काम करना पड़ रहा है, और 17,000 मानदेय के लिए न्यायालय में संघर्षरत हैं। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही जिम्मेदार साथी जुड़े हुए हैं। तो हालात आप देख रहे हैं, मानदेय के लिए तो संघर्षरत आप लोग हैं ही, लेकिन जो मानदेय बढ़ाने की बात या इनके लिए एक बेहतर विकल्प तलाश करने की बात आप कहाँ तक देख रहे हैं? और जब से समायोजन रद्द हुआ है, हमें लग रहा है कि संगठन भी शिथिल पड़ गया है। सबसे निरीह, सबसे कमजोर और सबसे लाचार अगर कोई है तो शिक्षामित्र और अनुदेशक। और ये लाचार और कमजोर और मजबूर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों के प्रति ये सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित, बिल्कुल और ये तीनों ही आज प्राइमरी के और अनुदेशक जूनियर की जान है। लेकिन जी होता क्या है, हमारे भारत का बहुत पुराना इतिहास रहा है कि न्यू की ईंट की कोई वैल्यू होती नहीं, कंगूरे की ही वैल्यू होती है। और न्यू की वैल्यू इसलिए नहीं होती क्योंकि न्यू दिखलाई नहीं पड़ता, जबकि इमारत की सारी मजबूती न्यू पर ही टिकी होती है। और जी इसके बावजूद अगर शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को इस प्रकार से न्यू मानते हुए भी सरकार के शब्दों में, सरकार के नुमाइंदों के शब्दों में, तो बहुत अच्छा इनके बारे में बोला जाता है, शिक्षा मित्रों के बारे में, अनुदेशकों के बारे में। लेकिन जब कुछ जी करने की बात आती है, कुछ अच्छा करने की बात आती है, तो कुछ किया नहीं जाता। केवल ये कह के कि इनके साथ पिछली सरकार ने गलत कर दिया, इनके साथ कोर्ट ने ऐसा कर दिया। मैं कहता हूं सबने इनके साथ गलत कर दिया, मैं कहता हूं जी सबने इनके साथ गलत कर दिया। आप ही अच्छा करके दिखला दो, सबने इनके साथ बिल्कुल बहुत गलत किया। लेकिन मैं जानता हूं कि पैदा करने वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना पालने वाला और उसका विकास करने वाला होता है। मैं कहता हूं जी अखिलेश जी को दोष देते हैं हर मंच पे, शिक्षा मित्रों की अगर बात आती है तो सपा गवर्नमेंट और आदरणीय अखिलेश जी की बुराई होती, जबकि रियलिटी यह है कि अगर शिक्षा मित्रों के बारे में किसी ने कुछ सोचा और कुछ अच्छा किया तो आदरणीय अखिलेश जी ने किया। इसलिए किया हाँ क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं वे आम लोगों से जुड़ी हुई मुद्दों को उठाते हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों की लाचारी व्यवस्था और इनको बैकफुट पर ढकेलने का जो षड्यंत्र है, कूट जैसे और मतलब रणनीति है, इसका केवल एक और एकमात्र कारण है कि 90 से 95% शिक्षा मित्र बहुत ही आम घरों के हैं, किसानों के घरों के हैं, हाँ मजदूरों जी के घरों के हैं। कोई शिक्षा मित्र मुझे अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं मिला जो किसी जमींदार के घर का हो, किसी सांसद के घर का हो, किसी विधायक के घर का हो, किसी आईएएस के घर का हो। मैक्सिमम कोई मिला तो हो सकता है किसी अध्यापक के घर का मिल गया हो या किसी बाबू के घर का जी मिल गया। यही जी स्थिति है। और अगर ये शिक्षा मित्र अच्छे घरों से होते तो न सुप्रीम कोर्ट इनका समायोजन निरस्त करती और न ये इनकी दुर्दशा हो। लेकिन वही बिल्कुल है कि सही मायने में जो अच्छा काम करने वाला है उसके लिए क्यों थपोड़ी बजाई जाती है, लेकिन जब इनाम देने की बात आती है, इकराम